हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धनंजय कुमार और आप सभी का स्वागत है डॉक्टर सेंसुअल कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स बेस्ट डिप्लोमा कोर्स के बारे में, जो आफ्टर 12th पास आउट होने के बाद आप आसानी से इसे कर सकते हैं। इसमें परसेंटेज की कोई मार्जिन नहीं होती, यानी आप 50 से एबव हो तो आप आसानी से कर सकते हैं। एनी स्ट्रीम, कोई भी स्ट्रीम हो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जान लेते हैं फ्रेंड्स, इसमें जो करने के बाद आप इसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल में आप आसानी से ड्यूटी कर सकते हैं या फिर जॉब कर सकते हैं। अगर जॉब न मिलने पर, ड्यूटी न मिलने पर आप आसानी से अपना क्लिनिक या फिर सेंटर ओपन कर सकते हैं, जो अच्छा खासा आपको अर्निंग दे सकती है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि कौन कौन से ये कोर्स हैं जिसको करने के बाद आप आसानी से अपना सेंटर या फिर क्लिनिक ओपन कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले हर वीडियो आप तक पहुंच सके। और नोटिफिकेशन बेल को अभी ऑन कर लें कि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब मैंने सीएमएसईडी के बारे में, एक डिप्लोमा कोर्स ही है, सीएमएसईडी के बारे में मैंने एक वीडियो बना चुकी है, उसमें आपको मैं इस आई बटन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं उसके बारे में, ठीक है फ्रेंड्स। तो शुरू करते हैं, चलते हैं, और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें। कई सारे ऐसे डिप्लोमा कोर्स हैं जिनको करने के बाद डायरेक्टली आप अपना सेंटर ओपन कर सकते हो, या फिर किसी हॉस्पिटल में आप जॉब भी कर सकते हैं, या फिर किसी लैब के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परेशान बिल्कुल नहीं होइएगा, अगर आपके पास 12th पे और हायर आप एजुकेशन के लिए नहीं जाना चाहते हैं तो आप इन कोर्सेज के बारे में कंसीडर कर सकते हैं। डेफिनेटली ये जो डिप्लोमा कोर्सेज है ये आपके कैरियर को एक हाइक देंगे। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई ऐसे डिप्लोमा कोर्सेज जो 12th के बाद होने वाले। हो सकता है इनमें से कोई ना कोई ऐसा डिप्लोमा कोर्सेज है जो आपको पसंद आए और आप उसको करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाई वन। पहला हमारे पास जो डिप्लोमा कोर्सेज है, डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन। एक्सरे टेक्नीशियन की एक बहुत अच्छी पोस्ट होती है जिसको एक्सरे वगैरह करने होते हैं। तो अगर आप इसका डिप्लोमा करते हैं तो किसी हॉस्पिटल में, किसी लैब के अंदर आप एक एज अ टेक्नीशियन वहां पर जॉब कर सकते हैं। अगर हम बात करें डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन, अगर हम बात करें इस कोर्स की, तो डिप्लोमा DMLT इसको करने के बाद आप किसी लैब के अंदर एज अ टेक्नीशियन काम करते हैं, लैब के अंदर, राइट, मेडिकल लैब। तो उसमें क्या करना होता है, जो भी सैंपल होते हैं ब्लड के सैंपल, उन पे आपको जांच करनी होती है और एक रिपोर्ट तैयार करनी होती है। अगला अगर हम बात करें डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री, तो ऑप्टोमेट्री की अगर हम बात करें, इस पे भी हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, उस वीडियो को अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, चैनल पे वो अवेलेबल है और कोशिश करूंगा कि उसका लिंक इसी वीडियो में आपको मिल जाए। तो डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री की अगर हम बात करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, 12th के बाद आप इसको कर सकते हैं और करने के बाद आप अपना आई सेंटर भी ओपन कर सकते हैं, लोगों के आई साइट वगैरह ये हैं जो चेकअप भी कर सकते हैं। तो ये इस पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला अगर हम बात करें डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी, तो मेडिकल लेबोरेटरी में भी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं जिनको आपको जानना होता है, और उसके बाद आप लैब में जो एज अ जो डॉक्टर होते हैं उनकी सपोर्ट करनी होती है, उनकी हेल्प करनी होती है, और धीरे धीरे आप इस कोर्स को करने के बाद खुद में आप मेडिकल लेबोरेटरी का पूरा कोर्स जब आप कर लेते हैं तो अपना खुद का भी आप काम स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर किसी भी लैब के अंदर वहाँ पर भी जॉब कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें डिप्लोमा ऑपरेशन थिएटर OT के अंदर भी एक टेक्नीशियन की ज़रूरत होती है, जहां पर आप यहां पर कोर्स कर सकते हैं डॉक्टर की सपोर्ट के लिए, है ना। एक डॉक्टर जो भी ऑपरेशन कर रहा होता है उसकी सपोर्ट के लिए एक टेक्नीशियन की ज़रूरत होती है जो OT में चाहिए होता है। तो इसका डिप्लोमा करके भी आप काफ़ी हद तक पैसे भी कमा सकते हैं और किसी भी हॉस्पिटल में इजीली आपको जॉब भी मिल सकती है। CMSED की अगर हम बात करें, कम्युनिटी मेडिकल सर्विस एंड एसेंशियल ड्रग्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिप्लोमा कोर्स है, जो डॉक्टर ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिनके पास डिग्री नहीं है तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा कोर्स है। वो इस कोर्स को करने के बाद किसी भी रूरल एरिया में जाके अपना क्लिनिक स्टार्ट कर सकते हैं और ईजिली काम कर अपना सर्टिफिकेशन के बाद अपना जो एक तरीके से सेंटर, क्लिनिक सेंटर ओपन करके और वो रन कर सकते हैं। अगला अगर हम बात करें डिप्लोमा इन डायटिक्स एंड न्यूट्रिशन, इसकी भी ज़रूरत पड़ती है। इस डिप्लोमा को करने के बाद लोग आपके पास आएंगे, आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं किस तरीके का आपको डाइट लेनी चाहिए, न्यूट्रिशन प्लान कैसे करें, तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। तो डिप्लोमा इन डेंटल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, देखिए डेंटल की अगर बात करें, डेंटल हाइजीनिस्ट एक अलग डिप्लोमा भी होता है और सेपरेट भी, मतलब कंबाइंड भी उन्होंने करा है डेंटल इन
डिप्लोमा इन डेंटल टेक्नीशियन एंड हाइजीनिस्ट, तो एक कंबाइंड भी है ये डिप्लोमा, तो दोनों में से आप चाहें तो कंबाइन कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, दोनों एक अच्छे डिप्लोमा है और इसको करने के बाद भी आप एक अच्छे लेवल पर अपना खुद का भी आप सेंटर ओपन कर सकते हैं, है ना। अगला अगर हम बात करें डिप्लोमा इन एमआरआई टेक्नीशियन, एमआरआई टेक्नीशियन की अगर हम बात करें तो जब भी कभी आप एमआरआई कराने जाते हैं तो एक टेक्नीशियन होता है जो आपको हेल्प करता है, आपको बताता है कि किस तरीके से आपको कैसे क्या करना है, तो पूरा प्लान वो करता है और मशीन को ऑपरेट करता है, तो ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो डिप्लोमा इन एमआरआई टेक्नीशियन भी इम्पॉर्टेंट डिप्लोमा है, इसको भी आप कर सकते हैं, सोच सकते हैं। डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी जो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, बेसिकली इसको करने के बाद आप अपना खुद का फिजियोथेरेपी सेंटर भी ओपन कर सकते हैं या फिर किसी हॉस्पिटल में जहाँ पर फिजियोथेरेपी सेंटर है वहाँ पर आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर किसी जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है उसके बारे में भी आप सोच सकते हैं, वहाँ पर भी ज़रूरत पड़ती है, वगैरह बच्चों को चोट वगैरह लग जाती है तो वहाँ भी आप कंसीडर कर सकते हैं, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगला अगर हम बात करें डिप्लोमा इन ईसीजी टेक्नोलॉजी, ईसीजी टेक्नोलॉजी के जो डिप्लोमा होते हैं इनमें आपको बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए कि ईसीजी क्या है और किस तरीके से मशीन ऑपरेट होती है, तो वहाँ पर भी आप अपना डिप्लोमा करके और अच्छी से जॉब आप ले सकते हो। अगर हम बात करें डीएनवाईएससी डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस, तो इसको करने के बाद भी आप अपना सेंटर ओपन कर सकते हो, नेम के आगे डॉक्टर भी लगा सकते हैं, अच्छी बात यह है कि एज अ डॉक्टर आप काम कर सकते हैं, तो ये भी एक नेचुरोपैथी, बस कंडीशन ये है कि आपको नेचुरोपैथी के थ्रू आपको लोगों को ट्रीटमेंट देना होता है। अगला अगर हम बात करें मैनी मोर डिप्लोमा, तो जीएनएम एएनएम या डी फार्मा, हॉस्पिटल मैनेजमेंट या नर्सिंग असिस्टेंट। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आने अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।